मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बाइक माय चैनल और मैं हूं सारिका। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रखा है। जैसे हमारा पानी उबल जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे पास्ता। जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ मेरी बेटी का फेवरेट पास्ता। जैसे कि हमारे ये पास्ता बनाने के लिए जो पानी रखा था तो वो बॉयल हो चुका है, तो ये बॉयल हो रहा है पानी हमारा। इसमें मैं डाल दूँगी एक चम्मच नमक। जैसे एक चम्मच नमक इसमें सौटे हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी मिक्स पास्ता जो कि मैंने मार्केट से लाया है, ये देखिए। और ये पास्ता इसमें जाएगा तो मैं इसे अच्छे से सौटे कर लूंगी, ये देखिए, ताकि ये आपस में चिपके ना। मेरा पानी जो है वो बहुत ही उबल रहा है। अरे देखिए, इसमें मैं एक चम्मच ऑयल ऐड कर दूंगी। जैसे हमारे ये एक चम्मच ऑयल इसमें जाएगा तो जिससे कि पास्ता इसमें चिपकेगा नहीं पानी में। एंड देखिए, धीमी आंच पर मैं इसे थोड़ी देर के लिए पका दूंगी एंड लो फ्लेम पर। चलिए, तो हमारा पास्ता अच्छी तरह से उबल रहा है। इस पर हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए। ये देखिए, लगभग हमारा आधा पास्ता पक के रेडी हो चुका है। और ये देखिए, मैं इसे धीरे धीरे सौटे कर रही हूँ और ये देखिए अच्छे से थोड़ा पक रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा बाकी है। एंड चलिए, जब तक हमारा पास्ता पक जाता है तब तक हम लोग करते हैं वेजेस की सारी तैयारियाँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये वेजेस डालने के लिए एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, ये थोड़ी सी मैंने हरी धनिया ली है 1 कप, और ये मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, ये एक मैंने शिमला मिर्च ली है जो कि जाएंगे मेरे पास्ता में, डिलीशियस इंडियन पास्ता में। जी हाँ, मैं देसी स्टाइल का बनाऊँगी तो इसमें सारी ये वेजेस ऐड होंगे। वैसे इसमें अगर आप चाहें तो बहुत सारे वेजेस ऐड कर सकते हैं। ये देखते देखिए, तब तक के लिए मेरा पैन गरम हो चुका है। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा कम लगेगा इसलिए मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया है। और इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। अगर इंडियन पास्ता बन रहा है तो वो तड़के के बिना तो बनेगा नहीं, है ना। तो चलिए, हम लोग जीरा जो है इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। इसमें डाला है मैंने एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा है। और ये देखिए, ये हम ऑनियन को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जैसे हमारा ऑनियन फ्राई होता है तब तक उसमें हम डाल देंगे जो हमने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है वो डाल देंगे, ताकि ये प्याज के साथ शिमला मिर्च जो है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए, ये मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ ताकि ये ऑनियन के साथ अच्छे से पक जाए। धीमी आंच पर मैं ये पका रही हूँ ताकि ज़्यादा जल ना जाए सब्जियाँ। मेरी गैस की फ्लेम जो है बहुत हाई है, मीडियम पे करती हूँ तो बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाता है। देखिए देखिए, तो चलिए फ्रेंड, जैसे हमारे ये पास्ता बनकर रेडी हो रहा है, हम लोग इसमें डालते हैं पास्ता। तब तक हम पास्ता छान कर लेते हैं, उसमें से जो पानी है ना वो सारा निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए ये देखिए फ्रेंड, ये जो ऑनियन एंड शिमला मिर्च जो है ये मैं इसे तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे हमारी ये शिमला मिर्च और अनियन फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम लोग बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। वैसे मेरी बेटी पास्ता के लिए बहुत वेट कर रही है, उसके टिफ़िन के लिए बना रही है, उसके टिफ़िन के लिए भी बना रही है और उसको ब्रेकफास्ट के लिए भी बना रही है। अभी घर पे थोड़ा खा के वो टिफ़िन में लेके जाएगी, पर उसे जब तक बनता नहीं तब तक कहाँ उसे चैन पड़ेगा। वो बार बार पूछ रही है कि माँ, मतलब पास्ता हो गया कि नहीं हो गया। भागा दौड़ी में बहुत जल्दी भागा दौड़ी में मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, हमारा जो ये बारीक कटा हुआ जो टमाटर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर जो है उसको भी हम लोग अच्छे से ऑयल में, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसमें इसे पकाएंगे। और जैसे हमारा टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तो हम लोग इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। लेकिन पहले उससे पहले इसमें डाल देंगे हम हरी पत्ती की धनिया, मतलब कोरिएंडर लीव्स। ये देखिए, इसमें मैंने आधी बचा के रखी है जो कि पास्ता में बाद में ऐड हो जाएगी तो बहुत ही कलरफुल लगेगी ना। एंड ये देखिए, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं ये मेरा बॉयल हुआ पास्ता जो कि अच्छे से पक चुका है। एंड ये देखिए, अब हम इस पास्ता को मसाले में अच्छे से सौटे कर लेंगे। एंड देखिए, मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा तो इसलिए मैं ये थोड़ा ऊपर से नमक ऐड कर रही हूँ। आप भी इसमें जो नमक डालेंगे तो वो स्वाद अनुसार नमक डालिए। ये देखिए, लवली, कितना कलरफुल बन गया है ना हमारा ये पास्ता। तो चलिए, हम लोग इसमें डाल देते हैं पास्ता मसाला। लेकिन उससे पहले डाल देंगे हम लोग ये कोरिएंडर लीव्स जब मैंने बचा के रखे थे, जो कि बाकी बाद में ऐड करने के लिए। तो चलिए, ये कोरिएंडर लीव्स को भी हम लोग अच्छे से डाल देते हैं। और ये है स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता मसाला जो कि मेरी बेटी का बहुत फेवरेट है। तो चलिए, मसाला डालने के बाद हम लोग इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग करते हैं इसकी प्लेटिंग।
ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना। तो ये जो है मैंने ये दो लोगों के लिए बनाया है, मतलब मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए। एंड ये थोड़ा उसको टिफ़िन में भी दूंगी क्योंकि उसे पास्ता बहुत पसंद है। एक फ्रूट एंड पास्ता दिया तो उसका हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, आ रहा है ना मुँह में पानी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा पास्ता कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, दिल देन, बाय बाय। सरा तू बाय करेगी, बाय करो सबको, बाय 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 बोलो, बाय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय।